हेलो सुप्रभात बच्चों बच्चों, हिंदी विषय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी के काव्य खंड से महादेवी वर्मा द्वारा रचित हिमालय से नामक पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों आइए इस पाठ की हिंदी व्याख्या देखते हैं। हे चिर महान यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल बरसा जाती रंगीन हास सेली पंता है इंद्रधनुष परिमल मलमल जाता बतास पर रागहीन तो हिमनिधान नभ में गर्वित झुकता नाशीस पर अंक लिए है दीन छार मन गल जाता नत विश्व देख तन सह लेता कुलिस भार कितने मृदु कितने कठिन प्राण। तो बच्चों आइए शब्दों के अर्थ भी आप देख लीजिए। चिर माने सदैव हमेशा, स्वर्ण रश्मि माने क्या होता है, सूर्य की सुनहली किरणें, है ना। आगे देखिए सेली, सेली माने पगड़ी, परिमल माने सुगंध, मल मल माने अंग अंग, बतास माने वायु, रागहीन, रागहीन का अर्थ होता है वैरागी, है ना, और छार, छार माने मिट्टी, और कुलिश माने कठोर, मृदु माने कोमल। बच्चों संदर्भ भी आप देख लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के काव्य खंड के हिमालय से शीर्षक से उद्धृत है। यह कवित्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित सांध्य गीत से ली गई है। प्रसंग भी बच्चों देख लीजिए कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक काव्य खंड में संकलित हिमालय से नामक पाठ में महादेवी वर्मा जी ने प्राकृतिक सुंदरता का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। तो बच्चों आइए देखते हैं इसकी हिंदी व्याख्या। हे चिर महान, है ना, महादेवी वर्मा जी वर्णन करते हुए कहती कि हे चिर महान, हे हिमालय, है ना, हे चिर महान, हे हिमालय, तुम क्या हो, तुम महान हो सदैव से, तुम हमेशा ही क्या हो, हमेशा से महान हो। यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, बर्फ से ढके हुए, श्वेत माने सफेद, बर्फ से ढके हुए, भाल माने मस्तक, बर्फ से ढके हुए तुम्हारे श्वेत मस्तक का, सफेद मस्तक का क्या करते हैं, स्पर्श करके सूर्य की सुनहरी किरणें क्या करने लगती हैं, हंसने लगती हैं। फिर से देखिए कि हे हिमालय तुम सदैव से महान हो, बर्फ से ढके हुए तुम्हारे श्वेत मस्तक को छू करके सूर्य की सुनहरी किरणें क्या करने लगती हैं, हंसने लगती हैं, बरसा जाती रंगीन हास, और उनकी रंगीन हंसी, जो रंगीन हास, हास माने हंसी है, जो रंगीन हंसी है वह क्या होती है, बरसा जाती, चारों ओर बिखर जाती है, फैल जाती है। उस समय ऐसा लगता है कि मानो चारों ओर प्रकृति प्रसन्नता से हंस रही है। सैली बनता है इंद्रधनुष, रंग बिरंगे इंद्रधनुष को देख करके, इंद्रधनुष को देखकर ऐसा लगता है कि हे हिमालय, रंग बिरंगे इंद्रधनुष को देखकर ऐसे लगता है कि जैसे तुम्हारे सिर पर, सेली माने पगड़ी, जैसे तुम्हारे सिर पर किसी ने पगड़ी बांधी हो, और परमिल मल मल जाता बतास, और शीतल वायु क्या करती है, तुम्हारे प्रत्येक अंग में, शीतल वायु तुम्हारे प्रत्येक अंग अंग में क्या करती है, प्रत्येक अंग में सुगंधित पदार्थों का, परमिल माने सुगंध, सुगंधित पदार्थों का क्या करती है, लेपन कर देती है, है ना। किंतु हे हिमालय तुम फिर भी वैरागी के समान उदासीन ही रहते हो, अर्थात तुम्हें इन वस्तुओं से किसी प्रकार का प्रेम नहीं है, अनुराग नहीं है, इसलिए तुम हमेशा महान हो। फिर से देख लीजिए, ये कवित्री महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि ये जो रंग बिरंगा इंद्रधनुष है उसे देखकर ऐसे लगता है कि हे हिमालय जैसे तुम्हारे सिर पर किसी ने पगड़ी बांधी हो, और शीतल वायु तुम्हारे अंग अंग में सुगंधित पदार्थों का क्या कर रही है, लेपन कर देती है। किंतु हे हिमालय
तुम फिर भी वैरागी के समान उदासीन रहते हो। तुम्हें इन वस्तुओं से किसी प्रकार का अनुराग नहीं है, प्रेम नहीं है, इसलिए तुम क्या हो? महान हो। इसलिए तुम हमेशा महान ही रहोगे और महान हो। आगे देखिए, नभ में गर्वित झुकता नाशीस पर अंक लिए हैं तीन तीन चार, है ना। आगे क्या कह रही है, मन निकल जाता नत विश्व देख तन सह लेता कुलिश भार किंतु मृद कितने कठिन प्राण, है ना। देखिए, हे हिमालय, नभ माने आकाश, गर्वित माने गर्व से, शीस माने सिर, अंक माने गोंद। देखिए, हे हिमालय, तुम आकाश में क्या किए हो? बड़े ही गर्व के साथ सिर ऊपर करके खड़े हुए हो। तुम आकाश में बड़े ही गर्व के साथ क्या किए हो? सिर ऊपर करके खड़े हुए हो। तुम्हारा यह सिर किसी के सामने नहीं झुकता है, पर अंक लिए हैं दीन छाल। कहते हैं कि तुम इतने महान होते हुए भी तुम दीन हीन जो मिट्टी है उसे तुम क्या किए हो? अंक लिए हो। वह जो दीन हीन मिट्टी है उसे तुम अपनी गोद में लिए हुए हो। मल गल जाता नत विश्व देख, और क्या कह रही हैं महादेव वर्मा जी? कह रही हैं कि संसार को अपने सामने झुका हुआ देखकर, संसार को अपने सामने झुका हुआ देखकर तुम्हारा मन क्या हो जाता है? विश्व देख, नत, नत माने झुका हुआ, विश्व माने संसार। अब संसार को अपने सामने झुका हुआ देखकर तुम्हारा मन क्या हो जाता है? दया से पिघल जाता है। परंतु आगे देखिए, तन सह लेता कुलिश भार, तुम्हारा शरीर कठोर भार को भी क्या कर लेता है? सहन कर लेता है। कुलिश माने कठोर, परंतु तुम्हारा यह जो शरीर है, तुम्हारा यह तन है, यह कठोर भार को भी क्या करता है? सहन कर लेता है। कितने मृदु, कितने कठिन प्राण। आगे क्या कह रही कि हे हिमालय, तुम अंदर से कितने कोमल हो, परंतु कठोरता को भी सहन करने की शक्ति रखते हो। कठिन प्राण, है ना, कि तुम अंदर से इतनी कोमल होते हुए भी कठोरता को सहन करने की शक्ति रखते हो। बच्चों, आज यहीं तक है।